Hey guys, हमने एक नया YouTube चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑफिशियल डब ट्रेलर्स, जहां पर आप सभी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल डब ट्रेलर्स यानी कि हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। आप यहां पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ऑपरेशन फिनाले को डायरेक्ट किया है क्रिस वाइट्स ने, जिन्होंने अमेरिकन पाई, द गोल्डन कंपस और द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून जैसी मूवी बनाई है। ये मूवी रिलीज हुई ऑल ओवर यूएस में 29 अगस्त 2018 को और यूएस के बाहर इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया 3 अक्टूबर 2018 को। ऑपरेशन फिनाले ये एक हिस्टोरिकल मूवी है और इसे देखने का दो कारण था। पहला तो ये क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल मूवीज बहुत पसंद है। हिस्टोरिकल मूवीज देखकर ना सिर्फ हमें पास्ट के बारे में पता चलता है बट उनसे हम काफी कुछ सीखते भी हैं। और दूसरा कारण इस मूवी को देखने का ये था कि इसमें ऑस्कर आइसर और बेन किंग्सली दोनों भी हैं। अगेन बोथ ऑफ विच आर वेरी गुड एंड टैलेंटेड एक्टर्स। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, हिटलर, उनके साथ ही हिमलर और गोयरिंग ने सजा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। मगर आत्महत्या करने से पहले हिटलर और उनके साथियों ने करीब करीब 6 मिलियन ज्यूइश लोगों को मार दिया था। ये हुआ 1941 से 1945 के बीच और इस पूरे इंसिडेंट को हॉलोकास्ट कहा गया। हॉलोकास्ट इंसिडेंट को मेनली अंजाम देने वाले हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे एडोल्फ आइकमैन, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी ज्यूइश लोगों को जर्मनी से बाहर डिपोर्ट करे। मगर अगेन डिपोर्टेशन सिर्फ बहाना था क्योंकि एक्चुअल में ये सभी ज्यूइश लोगों को एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में लेकर जाते थे और वहाँ इन सभी ज्यूइश लोगों का मास मर्डर कर देते थे। और जब वर्ल्ड वॉर टू ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे थी और जब एडोल्फ आइकमैन को यह एहसास हुआ कि अब जर्मनी इनफैक्ट वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने हंसी खुशी ये तक कह डाला कि मुझे मरने का गम नहीं क्योंकि मैंने करीब 6 मिलियन लोगों को मारा है अकेले, तो ये चीज मुझे हमेशा तसल्ली देती रहेगी। और जब फाइनली जर्मनी हार गया 1945 में, तो एडोल्फ आइकमैन पहले तो ऑस्ट्रिया भाग गए और फिर वहाँ से अर्जेंटीना, जहाँ पर इजरायली इंटेलिजेंस यानी के मोसाद ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की ताकि इन्हें इसराइल लाकर इन पर मुकदमा चलाया जा सके इनके गुनाहों के लिए। ऑपरेशन फिनाले कुछ इसी इंसिडेंट पर बेस्ड है कि कैसे इसराइली इंटेलिजेंस एडोल्फ आइकमैन को पकड़कर इसराइल लेकर आती है और इसराइली इंटेलिजेंस को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एडोल्फ आइकमैन को वापस लाने के लिए। कुछ यही स्टोरी है मूवी की। सो क्या ये मूवी रियली इंटरेस्टिंग है और क्या इसे आपको एक बार देखना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। We're all animals. मूवी चालू होती है 1954 में, जहां पर इसराइली इंटेलिजेंस एडोल्फ आइकमैन को पकड़ने के चक्कर में एक गलत आदमी को जान से मार देती है। फिर मूवी सीधा एडोल्फ आइकमैन पर लेकर जाती है हमें, जहां पर वो अपने बारे में अपने साथियों से बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने वो सब किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था ताकि वो जर्मनी के दुश्मनों से छुटकारा पा सके। इस मूवी की पूरी स्टोरी 1960 से 1962 के दौरान बेस है, मगर स्टार्टिंग के 10 मिनट के बाद ये मूवी प्योर ड्रामा है कि कैसे ये सारे के सारे मोसाद एजेंट्स हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं ये पकड़े ना जाए एंड ऑल, यही पूरी मूवी में दिखाया गया है। मूवी कहीं ना कहीं उस इंटेंस फैक्टर को मिस कर रही थी जिससे कि हम इस मूवी से हुक हो सके। एडोल्फ आइकमैन के बारे में हम जो भी मूवी में जानते हैं वो सिर्फ एडोल्फ आइकमैन के मुंह से ही सुनते हैं हम। मुझे लगता है कि मूवी में कुछ ऐसे ऐसे सीन्स भी डालने चाहिए थे जहां पर हमें ये एहसास हो सके, हमें पता चल सके कि आखिर एडोल्फ आइकमैन ने क्या क्या किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस चीज को सिर्फ 2 सीन्स में दिखाया गया है। पहला तो ऑस्कर आइसर के नजरिए से, जिनकी बहन इस जेनोसाइड के दौरान मारी जाती है, और दूसरा खुद एडोल्फ आइकमैन के नजरे से, जहाँ पर वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो बहुत सारे ज्यूइश लोगों के पास में जा रहे हैं पास्ट में ताकि उनके मास मर्डर का वो ऑर्डर दे सके। सिर्फ ये दोनों ही सीन्स पर ये पूरी मूवी बेस्ड है और ये 2 सीन्स ही हैं जो हमारा मूवी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनाती है, मगर पूरे 2 घंटे की मूवी में ये 2 सीन्स को बार बार दिखाने से भी हमारा कहीं ना कहीं मूवी में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। ये मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर एडोल्फ आइकमैन का एक यंगर वर्जन हमें मूवी में देखने को मिलता, जहां पर हमें ये देखने को मिलता कि एडोल्फ आइकमैन ने जो किया वो कैसे किया और क्यों किया, बजाय इसके ये पूरी मूवी सिर्फ इनके इसराइल में लाने के बारे में है, जिसकी वजह से अगेन 2 घंटे की ये मूवी बहुत बड़ी लगने लगती है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा था, मगर अनफॉर्चुनेटली मूवी के स्टार्टिंग के 10 मिनट के बाद में ये मूवी आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं कर पाती। एंड अगेन स्टार्टिंग के 10 मिनट के बाद में जहां पर आपका रियली मूवी में इंटरेस्ट जगता है वो होता है लास्ट का 10 मिनट, जहां पर ये मोसाद एजेंट्स यानी कि इजरायली एजेंट्स
किसी भी तरह एडॉल्फ आइकमैन को ब्यूनस एरेस से वापस इजराइल ले जाने की कोशिश करते हैं। ये मूवी 2 घंटे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, इनफैक्ट इसे 1.5 घंटे का भी नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से 1 घंटा 15 मिनट बहुत था और काफी था इस पूरी स्टोरी को दिखाने के लिए, और अगर ये 1 घंटा 15 मिनट की होती तो शायद ये मूवी एक डिसेंट मूवी होती। ऑस्कर आइज़क ने काफी अच्छी एक्टिंग की है एक भाई की, जो कि काफी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा है, स्पेशली तब जब उनके सामने उनकी बहन का कातिल यानी कि एडॉल्फ आइकमैन खड़े होते हैं। तब बेन किंग्सली एज एडॉल्फ आइकमैन वाज परफेक्ट एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 65, ही इज स्टिल शॉकिंग अस विद हिज एक्टिंग। ओवरऑल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी काफी डिसेंट है, मगर काफी सारे हिस्टोरिकल एलिमेंट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स डालकर इस मूवी को काफी अच्छा और डिसेंट बनाया जा सकता था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस मूवी ने वो टोटली मिस कर दिया। I mean, आपके मूवी का बेस कैरेक्टर एडॉल्फ आइकमैन है, उसी के ऊपर आपकी पूरी मूवी बेस्ड है, तो उनके बारे में कुछ ज्यादा दिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप उनको मूवी से बाहर निकाल दो तो आपकी मूवी कुछ नहीं है। बजाय इसके ये मूवी इजरायली एजेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये मूवी हमें डिसअपॉइंट कर रही थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5.5 out of 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी ऑपरेशन फिनाले का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।